जिंदगी का गम, महंगी वाली रम, बेबी काका बम, सब खूटे से बांध देंगे हम, क्योंकि यहाँ हमारा ही चलता है। बोलो क्या? तो दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में बिग बॉस में बहुत कुछ हुआ है, जैसे किलविश यादव, सेल्फिश यादव, अरे क्या नाम था, हाँ एल्विश यादव, एल्विश यादव को रुलाना, महेश दल्ले को घर में बुलाना, ये वाला नाको रे, हाँ ये वाला, और ध्रुव राठी का बिग बॉस की बजाना, ये सारी कलाकांडी अखियां फाड़ के देख रहा था जमाना। लेकिन मैं बिग बॉस नहीं देखता सच्ची। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या है, अपने को तो बस एंटरटेनमेंट है फैलाना। मस्त प्लान है। तो चलो यार, लगाते हैं बिग बॉस की टीवी पे निशाना। यार एल्विश के साथ बीते शनिवार जो हुआ है ना, उसे देखकर मुझे एक शेर याद आता है। किसी को समझाया, किसी को धमकाया, किसी को आदेशों में से ही भगा दिया। अच्छा, और एल्विश भैया को भेजा गया था सिस्टम हिलाने, बिग बॉस ने उसको ही रुला दिया। तू रो रहा है क्या? नहीं। टाइगर है तू, रोर करने रोर। यार मैं अब चिल कैसे हूँ, मैं तो चिल ना हो पा रहा। अरे एल्विश भैया, रोर करने रोर, अगर ऐसी रोते रहोगे ना तो बाहर कोई भी नहीं बोलेगा सिस्टम एनीमोर। क्यों, क्या हुई है, क्या हुई? ओ समझ गया, जो निहायती शरीफ लोग मेरी तरह बिग बॉस नहीं देखते उनके लिए खोल देता हूँ स्टोरी के थोड़े से झोले। तो एल्विश यादव ने शो की ही एक संस्कारी बेचारी अबला नारी कंटेस्टेंट के बारे में ये शब्द बोले। मैं वैसे बोलना नहीं चाहता, मैं बोलूंगा भी नहीं, चल बोल देता हूँ। कौन है, कौन जाना, कुत्ता ना बुझे इसने बाहर, कुत्ते ना बुझ रहे। जब फालतू बोला ना कि वहीं बंधे रहा, कुत्ते मत उड़ जाइयो। अरे रे रे रे, एल्विश भैया देसी बालक होने के बाद इतना भी नहीं समझते, खूंटे से गाय को बांधते हैं, भैंस को, बहन को नहीं, किसी की बहन बेटी को नहीं। इतना हरामी तो नहीं था मैं, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। हाँ वही वही, बस फिर क्या, सलमान खान ने भी बना दी लस्सी की दही। एल्विश, फॉलोअर्स और फैन आर्मीज, ये कुछ भी कहने और बोलने की छूट देता है आपको। हाँ क्यों, सब अपने आप को बड़े तुरमखा और बड़े दादा समझते हैं। बम्बू छूटा, चल छूटा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है प्रभु। ये लौंडा आया था हिलाने सबका सिस्टम, बिग बॉस ने रुला रुला के क्या बना दिया इसका, चबाई हुई चिंगम। अरे बस करो यार, यहाँ पहले नहीं खत्म हो रहा मेरा गम। अच्छा तो एल्विश ने जो शब्द बोले, खूंटा, गधा, बम्बू, क्या लगता है इनसे बेबिका के ऊपर टूट गया है दुखों का तंबू? अजी घुइया, ये कन्या भी शरीफ नहीं है, एक नंबर की है चुईया। ये बाहर से आया विदेशी सैया, इसने खुलेआम सबके सामने अपनी चड्डी उतार के बेबिका को अपना पिछवाड़ा दिखा दिया था। उस वक्त बेबिका बड़ा चिल्ला रही थी, हाय दैया हाय दैया, और दो दिन बाद पकड़ के बैठी हुई थी उसकी भैया कि चलो कहीं घूमने चले, मुंह बोले भैया। ये सब दुगलापन है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब ये है कि चाहे बेबिका हो, चाहे एल्विश हो, सलमान हो या फिर हो बिग बॉस, ये सारे के सारे मिल गए हमको, हमको हमको लगा रहे हैं टमाटो सॉस ओनली बढ़ाने के लिए टीआरपी का जोश। खामोश। हाँ ठीक है ना, गुस्सा काहे करते हो, हम तो वैसे भी हैं एक नंबर के नल्ले, वो तो आपने ही घर में खामखा बुला लिया, पूछो किसे? महेश दल्ले। अब ये मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार रिसेंटली बिग बॉस ने घर में बुला लिया पूजा भट्ट के पप्पा, हरकतों से कटप्पा, यानी कि महेश भट्ट को। मालूम नहीं हमको। अरे नाम तो सुना ही होगा कहीं। अब देखो महेश भट्ट घर में आए और कोमल कोमल परियों पे हाथ ना घुमाए, ऐसे तो हालात नहीं। ए, ये दर्द है दिल की ख्वाहिश, थोड़ा सहन तो करने दे। अंधेरी लगी हम आपसे मिल रहे, वरना पता नहीं मिल पाते। चुप होके सुनेंगे, चुप कर जा डार्लिंग, पहले ये चेहरा स्कैन तो करने दे। मैं बोलो इसके लक्षण ठीक नहीं लगे, मैंने सोच लो। I'm so grateful I have your daughter here. I have a mother. अरे मदर को छोड़ जाने मन, चल कोने में गदर मचाते हैं। गदर टू, अच्छा चलो गदर थ्री। मुझे एक भी नहीं मिला प्लीज। बेबी एक एक क्या, अनेक फिल्में दूंगा, ऐसी गले से चिपकी रहो, ब्राइट हो जाएगा तुम्हारा आने वाला कल। सिटी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है तो इसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। अब दोस्तों इन्हीं सब के बीच एल्विश यादव के बचपन के यार ध्रुव राठी, जी हाँ उन्होंने भी चला दी है बिग बॉस की तशरीफ पे लाठी। ऐसे नॉनसेंस शो में मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं जाऊंगा, मेरी राय में ये बहुत ही चीप तरीका है पैसा और फेम कमाने का, जिसका समाज पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे धोतड़ बोतड़ सब बाद में खोलते रहना ध्रुव भाई, पहले अपने को ये बताओ एल्विश यादव को बिग बॉस में देख के आपने क्या राय है बनाई? बात ये भी सच है कि बिग बॉस इसी टाइप के लोगों के लिए सबसे फिट जगह है, ऐसे ही लोग डिजर्व करते हैं बिग बॉस में जाना। हल्के में ले रहे हो लौंडे को, देखना अगले हफ्ते वो सारा सिस्टम फाड़ेगा और जिसे तुम गीदड़ समझ रहे हो ना वो शेर बन के दहाड़ेगा। दिखा दो एल्विश भाई कैसे। सुन लिया बड़ा महाराज की हुकार। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अच्छा इन्हीं सबके बीच एक और यूट्यूबर लीक ओए। अरे भाई वो पी पॉय है। अरे वो कौन सा भी डिटेक्टिव रॉय है, वो जनाब इस लैंडी शो को अलग ही लेवल पे सीरियस ले रहे हैं और एल्विश यादव के रोने पे ये सब कह रहे हैं।
और वो वहां रो रहा था, उसके आंसू उसकी मां को दिखाई, मेकर्स को जरा भी शर्म नहीं आती। शेम ऑन जियो सिनेमा, शेम ऑन बिग बॉस एंड शेम ऑन द होस्ट ऑफ द शो। अरे सर जी, तो आप क्यों रहे हैं इतना रो? यहां पे आने के लिए इन लोगों ने इतना सारा पैसा लिया है और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। उनको पता है, उनको अच्छे से पता है कि वो जो भी करेंगे वो सारा दिखाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी फैमिली को भी बुलाया जाएगा। ये रोना धोना, बाबू सोना, जादू टोना इस घर में होता है हर रोज, टेंशन नहीं लेने का। ले मार मुझे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के चक्कर में कमजोर हो गया हूँ, खा के आता हूँ थोड़ा सा घी। तो अपने संस्कारी शब्दों को आराम विराम इनाम देते हुए कहना चाहूंगा, अर्ज किया है, हाँ ये कर लो पहले, कि यार बिग बॉस को इतना सीरियस मत लिया करो, वहाँ पे ऐसी घटिया चीजें अक्सर हो जाती हैं। कि मित्रों बिग बॉस को इतना दिल पे मत लिया करो, वहाँ पे ऐसी लुल्लू चीजें हर रोज हो जाती हैं। और रही मेरी बात, रोस्ट भी करता है तो अरे बड़े खूबसूरत तरीके से रोस्ट करता है यार, हंसी भी आती है। जंगल में कांड हो गया।